नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। चीन की चाल पर होगी सरकार की नजर। समुद्री सुरक्षा के लिए नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करेगी सरकार। '83 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे हैं। श्रीराम एयरपोर्ट पर उतरेंगे विमान, सरयू में चलेगा क्रूज। AMRUT और स्मार्ट शहर के आधुनिक पहलुओं और ऐतिहासिक मिश्रण के साथ अयोध्या के विकास का भव्य प्लान। संसद के मानसून सत्र में 23 विधेयक पास कराने की तैयारी में केंद्र, पेश होंगे 17 नए बिल। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जल्द मिलेगी WHO की मंजूरी, आपातकालीन उपयोग सूची के लिए सौंपेंगे दस्तावेज। मोदी को तीसरी बार पीएम बनने का आशीर्वाद देने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने संघ को दिया रोडमैप, धर्म परिवर्तन पर रोक बड़ा मुद्दा। UPATS ने लखनऊ से पकड़े गए 2 आतंकियों के फरार, आतंकियों को पकड़ने के लिए भारत नेपाल सीमा पर जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु में बीजेपी कांग्रेस के बाद AR का फासला, टीवी डिबेट में नहीं भेजेगी प्रवक्ता। साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा मानहानि का मुकदमा, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए लक्ष्मीपुरी के खिलाफ ट्वीट हटाने का आदेश। असम में किडनी रैकेट चलाने के आरोप में मां बेटा हुआ गिरफ्तार, लोगों को देते थे मोटी रकम का झांसा। IMA की चेतावनी, कोरोना की तीसरी लहर है करीब, सरकार धार्मिक यात्राओं पर फिलहाल लगाए रोक, लोग भी बरते सावधानी। NIA ने अनंतनाग से ISIS के 3 आतंकवादी पकड़े, युवाओं को देश के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसाते थे। दिल्ली में DTC बसों की खरीद प्रक्रिया पर कांग्रेस ने भी खड़े किए सवाल, केंद्र को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। बीजेपी MLA अमृतलाल मीणा भेजे गए हैं जेल, फर्जी अंक तालिका मामले में की गई है कार्रवाई। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन खरीद मामले में खारिज की सरकार की याचिका। अलीगढ़ में पुलिस पर लगा गंभीर आरोप, पुलिस ने चोर को थाने से छोड़ा, बीते दिनों पुलिस ने चोरों को किया था गिरफ्तार। अलीगढ़ में धनीपुर मिनी एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, एयरक्राफ्ट क्रैश में पायलट सुरक्षित, हादसे के उच्च अधिकारियों को तत्काल दी गई जानकारी। बस्ती में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, प्रेमी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा किया दर्ज। हमीरपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, मारपीट से महिलाएं बुरी तरह से हुई घायल, पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कौशाम्बी में आकाशीय बिजली गिरने से 15 साल की लड़की की हुई मौत, हादसे में मजदूर के परिवार पर टूटा कहर।
लखनऊ में कांग्रेसियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा, योगी और मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध असलाह फैक्ट्री का कुआं बांधाफोड़, मौके से दो फैक्ट्री संचालक हुए गिरफ्तार। लखनऊ में कालीजी मंदिर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हुई आयोजित, श्रद्धालुओं ने लगाए श्री जगन्नाथ भगवान के जयकारे, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। आगरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लाखों की लूट, पैसे लेकर फरार हो गए बदमाश, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। औरैया में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायल को उपचार के लिए सीएचसी में कराया गया है भर्ती। आजमगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस नेता ने किया प्रदर्शन, लोगों से मिलने पहुंचे ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, धरने को किया समाप्त। आजमगढ़ में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, हत्या का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने युवक ने की थी हत्या। आजमगढ़ में पंचायत सदस्यों ने किया शपथ ग्रहण समारोह में सपा नेता हुए शामिल, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का नहीं किया गया पालन। बुलंदशहर में दबंग ने पेट्रोल डालकर युवती को जलाया, पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में हुई भर्ती, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। हमीरपुर में जिला पंचायत सदस्यों ने लिया शपथ, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई लोग पहुंचे। लखनऊ में किसान मजदूर मोर्चा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों की मांगों को पूरा करने पर दिया जोर। महाराजगंज में सराफा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला युवक गिरफ्तार, पकड़े गए अपराधी के पास से तमंचा बरामद। रायबरेली में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला मार्च, कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। रामपुर में डीएम ने दिलाई पंचायत अध्यक्ष की शपथ, शपथ समारोह में कई भाजपा नेता हुए शामिल। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण भी किए गए बरामद। सुल्तानपुर में चलाया गया सफाई अभियान, सरकारी विभागों में की गई साफ सफाई। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने की जमकर नारेबाजी, बढ़ती महंगाई और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। उन्नाव में टैक्सी चालक को दरोगा ने पीटा, दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। आगरा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कसा शिकंजा, छापेमारी में बरामद हुई भारी मात्रा में शराब, पुलिस ने 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्टी का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी पर बैठकर हुआ प्रदर्शन, सरकार पर जमकर साधा गया निशाना। आगरा में भाजपा विधायक की तानाशाही आई सामने, पुलिस वालों को दी गई धमकी, कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां।
महोबा में कस्बा वासियों ने पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने की उठाई गई मांग, लोगों ने अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, उपजिलाधिकारी ने लोगों को दिया आश्वासन। आगरा में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, महिला ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा स्मार्ट सिटी के बावजूद भी व्यवस्थाएं बेकार, नाला स्मार्ट होने को कर रहा है इंतजार। गोरखपुर में शव मिलने से मचा हड़कंप, आग और सिर पर धारदार हथियार से किया गया वार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में दो पक्षों में हुआ जमीनी विवाद, विवाद में पिता की हुई मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कानपुर देहात में नवगठित जिला की प्रथम बैठक सकुशल संपन्न, निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक। फिरोजाबाद में आरतिया की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस और बदमाश में चली कई राउंड की फायरिंग, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। प्रतापगढ़ में दबंगों से किराया मांगने पर रिक्शा चालक को मारी गोली, घायल चालक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती, घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से हुए फरार। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में थर्मामीटर खत्म होने से मचा हड़कंप, बुखार नापने के लिए नहीं है एक भी थर्मामीटर, डॉक्टर ने सरकार और अधिकारियों पर थर्मामीटर नहीं देने का लगाया है आरोप। आगरा में यूपी एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, 8 क्विंटल गांजे के साथ 2 लोग हुए गिरफ्तार, उड़ीसा से तस्करी कर यूपी ले जा रहे थे अवैध गांजा। अल्मोड़ा में ग्रामीणों ने किया रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान, सड़क न बनने पर होगा चुनाव का बहिष्कार। चमोली में हाईवे पर पानी के तेज बहाव में बहा युवक, बारिश के पानी से उफनाए नाले और नदियां, युवक की तलाश में जुटी पुलिस टीम। चमोली में प्रधान संघ का प्रदर्शन लगातार जारी, अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग घोटाले का मामला, जांच में अब तक हुए कई खुलासे, जल्द ही शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हरिद्वार में कांग्रेस ने पीडब्ल्यू कार्यालय का किया घेराव, जन शिकायतों को ना सुनने का लगाया है आरोप। ऋषिकेश में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को परिवार नियोजन को लेकर किया गया है जागरूक। ऋषिकेश में एक कोतवाली की जर्जर इमारत से हो सकता है हादसा, अधिकारी किसी बड़े हादसे का कर रहे हैं इंतजार। रुड़की में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लालकुआ में जल संस्थान के कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, ज्ञापन में संविदा पर नियुक्त किए जाने की मांग, पिछले 20 साल से कर रहे हैं नौकरी। हरिद्वार में पुलिस ने किया लूट का बड़ा खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से कई कीमती सामान भी किए हैं बरामद।
खटीमा में धान खरीद की तैयारियां शुरू, फसल की खरीद को लेकर किसानों को किया गया आश्वस्त। मसूरी में ग्रामीणों ने मिलकर कराया सड़क निर्माण, समाज सेवी मनीष गोनियाल से किया गया था संपर्क। अल्मोड़ा में अटल आदर्श उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय का उद्घाटन, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया पौधारोपण। अफगान वायुसेना के हमले में 40 तालिबानी आतंकी हुए ढेर, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। केपी शर्मा ओली का बड़ा झटका, शेर बहादुर देउवा होंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री। बाइडेन ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को खारिज करने के ट्रंप के फैसले का किया है समर्थन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन में 19 जुलाई से अनलॉक की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर एफडीए से हुई है चर्चा। इराक के नसीरिया शहर के कोविड अस्पताल में आग लगने से 44 लोगों की मौत, 67 लोग हुए घायल, ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोटक से हादसा होने का लगाया गया है अनुमान। WHO ने मानव जीन एडिटिंग अनुसंधान का वैश्विक डाटाबेस तैयार करने की अपील की। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई बोले, स्वतंत्र और मुक्त इंटरनेट पर हो रहे हैं हमले। अमेरिका में बरस रही आग, डेथ वैली में तीसरे दिन भी तापमान 54 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी भी जारी। अगले साल तक पूरी तरह चालू हो जाएगा श्रीलंका में चीन द्वारा निर्मित हम्बनटोटा बंदरगाह। क्यूबा में खानावा दवा की किल्लत के खिलाफ दशकों में सबसे बड़ा प्रदर्शन, कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में सड़कों पर हैं लोग। रूसी वैक्सीन का दावा, स्पुतनिक वी वैक्सीन देती है डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ 90% सुरक्षा। फाइजर बायोटेक ने दोनों डोज के बाद बूस्टर खुराक की भी बताई जरूरत, विशेषज्ञ बोले अधिक डेटा की है आवश्यकता। अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट की चीनी कंपनियां, गुस्सा ड्रैगन ने कहा करारा जवाब देंगे। घर में मृत मिली पाकिस्तानी मॉडल नायब नदीन, खिड़की तोड़कर दाखिल हुए हत्यारे। डोमिनिका कोर्ट से भारत को झटका, कहा सुनवाई तभी होगी जब स्वस्थ हो जाएगा मेहुल चौकसी। चीन में भारी बारिश का प्रकोप, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं प्रभावित। दक्षिण चीन सागर में फिर बढ़ा तनाव, चीन का दावा अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा, अमेरिका बोला झूठ है, यूएसएस बेनफोल्ड पैरासेल द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचा है।
नासा की स्टडी में खुलासा, 9 साल बाद चांद की स्थिति में होगा बदलाव, दुनिया पर मंडरा रहा है भयानक खतरा। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स की लापरवाही से चली गई नवजात की जान, ऑक्सीजन की जगह चढ़ा दी लाफिंग गैस। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले आर अश्विन हुए फेल, 258 गेंद पर लिया सिर्फ 1 विकेट। क्रिस गेल 14,000 टी20 रन पूरे करने वाले बने पहले खिलाड़ी, 5 साल में जड़ा पहला अर्धशतक। WTC फाइनल से पहले दोहरा शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के ओपनर डोवोन कॉनवे को मिला प्लेयर ऑफ द मंथ का ICC अवार्ड। वेस्ट इंडीज का टी20 सीरीज पर कब्जा, क्रिस गेल के दम पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में दी 6 विकेट से मात। यूरो कप फाइनल में पेनल्टी मिस करने वाले ब्लैक फुटबॉलर से रिज्म का शिकार पर इंग्लैंड के पीएम बोले तीनों देश के हीरो। रेनॉल्ट की पहले इलेक्ट्रॉनिक कार 5 E-Tech जल्द होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगी 450 किलोमीटर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शेयर धारकों को संबोधित करते हुए कहा 2 दशकों में $15 ट्रिलियन की होगी इकोनॉमी। टेक्सटाइल PLI के नए सिरे से घोषणा संभव, पिछले वर्ष नवंबर में मिली थी कैबिनेट की मंजूरी। नाबार्ड ने 35,000 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों को 1-स्टार शॉप के रूम में विकसित करने का लिया है फैसला। एक महीने में दर्जन भर IPO से गुलजार होगा शेयर बाजार, जोमैटो, ग्लैंडमार्क साइंसेज और श्रीराम प्रॉपर्टीज के IPO इसी महीने आएंगे। धाकड़ फिल्म के सेट से कंगना रनौत ने शेयर किया एजेंट अग्नि का पहला लुक, बोली सबसे शातिर है एजेंट। बढ़ते कोविड मामलों के बीच BMC ने सील की सुनील शेट्टी की बिल्डिंग, एक्टर का परिवार है सुरक्षित। कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी स्टारर मिमी नेटफ्लिक्स पर 30 जुलाई को होगी रिलीज। प्रियांक शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल करेंगे बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट, 6 हफ्तों तक सिर्फ OTT पर दिखाया जाएगा शो। श्रद्धा कपूर ने शुरू की फिल्म नागिन की तैयारियां, निखिल द्विवेदी के ऑफिस के बाहर हुई है स्पॉट। फिलहाल के लिए इतना ही, देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।